महाभारत के दिव्यास्त्रों की गहराई से जानकारी हमें भारतीय पौराणिक कथाओं, धर्म और आध्यात्मिकता के व्यापक संसार में ले जाती है। ये अस्त्र सिर्फ युद्ध के साधन नहीं थे, बल्कि ये विशिष्ट मानसिक और आध्यात्मिक शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते थे। आइए इन दिव्यास्त्रों के बारे में और गहराई से समझते हैं। दिव्यास्त्रों का आध्यात्मिक महत्व। महाभारत के दिव्यास्त्र सिर्फ भौतिक शस्त्र नहीं थे, इन्हें प्राप्त करने के लिए योद्धाओं को गहन तपस्या, ध्यान और आध्यात्मिक अनुशासन से गुजरना पड़ता था। उदाहरण के लिए, अर्जुन को पाशुपतास्त्र प्राप्त करने के लिए भगवान शिव की कठोर तपस्या करनी पड़ी थी। इन अस्त्रों का प्रयोग करने के लिए केवल शारीरिक बल नहीं, बल्कि मानसिक शुद्धता और आत्मनियंत्रण की भी आवश्यकता थी। दिव्यास्त्रों की शक्ति और विनाशकारी प्रभाव। दिव्यास्त्रों की शक्ति इतनी अधिक थी कि उन्हें केवल अत्यंत गंभीर परिस्थितियों में ही प्रयोग किया जाता था। उदाहरण के लिए ब्रह्मास्त्र, इसे परमाणु हथियार की तरह माना जा सकता है, जिसकी शक्ति इतनी थी कि इसका उपयोग एक पूरे राज्य या क्षेत्र को नष्ट कर सकता था। पाशुपतास्त्र, यह अस्त्र इतनी प्रबल ऊर्जा से युक्त था कि इसका प्रयोग करने वाला स्वयं भी इसकी विनाशकारी शक्ति से अछूता नहीं रह सकता था। नारायणास्त्र, यह अस्त्र तब तक हमला करता था जब तक शत्रु आत्मसमर्पण न कर दे, इसे कोई रोक नहीं सकता था। दिव्यास्त्रों का अदृश्य हो जाना। दिव्यास्त्रों का अदृश्य हो जाना भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। महाभारत युद्ध के बाद ये अस्त्र कहां गए, इसका कहीं उल्लेख नहीं मिलता। कुछ विद्वान मानते हैं कि ये अस्त्र समय के साथ खो गए या फिर उन्हें जानबूझकर नष्ट कर दिया गया ताकि मानवता पर उनका नकारात्मक प्रभाव न पड़े। आध्यात्मिक दृष्टिकोण, यह भी माना जाता है कि इन अस्त्रों को देवताओं द्वारा वापस ले लिया गया था ताकि उनका दुरुपयोग न हो। महाभारत के अंत में जब कलयुग की शुरुआत होती है तो दिव्यास्त्रों की शक्ति और उनका महत्व धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। दिव्यास्त्रों का प्रतीकात्मक अर्थ। महाभारत के दिव्यास्त्र सिर्फ युद्ध के हथियार नहीं थे, बल्कि ये विशिष्ट गुणों और शक्तियों का प्रतीक थे। उदाहरण के लिए ब्रह्मास्त्र, यह ब्रह्म ज्ञान का प्रतीक है जो कि सबसे उच्चतर ज्ञान और शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। पाशुपतास्त्र, यह शिवत्व का प्रतीक है जिसका अर्थ है कि इसे पाने के लिए शिव के समान तपस्या और अनुशासन की आवश्यकता होती है। सुदर्शन चक्र, यह भगवान विष्णु की दिव्य दृष्टि और न्याय का प्रतीक है जो समय और अधर्म दोनों को नियंत्रित करता है। दिव्यास्त्र और आधुनिक विज्ञान। कुछ लोग मानते हैं कि महाभारत के दिव्यास्त्र आधुनिक विज्ञान के प्राचीन रूप हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, ब्रह्मास्त्र को परमाणु बम का प्राचीन रूप माना जा सकता है जिसकी शक्ति पूरे शहर को नष्ट करने में सक्षम होती है। अग्न्यास्त्र को आधुनिक मिसाइलों या आग्नेयास्त्रों का प्राचीन रूप माना जा सकता है जो शत्रु को जलाने की क्षमता रखते हैं। दिव्यास्त्रों का भौतिक अस्तित्व। आज के युग में यह मानना कठिन हो सकता है कि महाभारत के दिव्यास्त्र भौतिक रूप में अस्तित्व में थे, लेकिन भारतीय पौराणिक कथाओं में ऐसा कहा गया है कि ये अस्त्र केवल उन लोगों को ही प्राप्त होते थे जो उनके योग्य होते थे। इन अस्त्रों को साधारण व्यक्ति नहीं देख सकता था और न ही उन्हें चलाने की क्षमता रखता था। दिव्यास्त्रों का आधुनिक संदर्भ। आज हम इन दिव्यास्त्रों को केवल कथाओं और कहानियों के रूप में देखते हैं, लेकिन इनका महत्व आज भी उतना ही प्रासंगिक है। ये अस्त्र हमें यह सिखाते हैं कि सच्ची शक्ति केवल शारीरिक बल में नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन में होती है। महाभारत के दिव्यास्त्र आज कहाँ हैं? यह सवाल रहस्यमय और जटिल है, लेकिन चाहे ये अस्त्र भौतिक रूप में अस्तित्व में हो या न हो, उनका प्रतीकात्मक और आध्यात्मिक महत्व आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ये अस्त्र हमें यह सिखाते हैं कि सच्ची शक्ति धर्म और न्याय के लिए होनी चाहिए, और इनका दुरुपयोग विनाश का कारण बन सकता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह जानकारी रोचक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी नई वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।